यार बिल्कुल लागे सर। ये देखो, ये चेक कर सकते हैं आप साहब, ये देख सकते हैं, ये हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है। मोटरसाइकिल के पास उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। ईद का दूसरा दिन तो थोड़ी देर पहले ही सुबह सुबह उठे हैं, सुबह सुबह तो नहीं शाम होने वाली है, लेकिन हमारी जो सुबह है अभी हुई है। तो मामू वो देखे पिजन के साथ लगे हुए हैं, तो आज हमें देने वाले हैं मामू स्क्लैन पार्टी। हाँ जी जी, पार्टी देने वाले हैं, तो इसलिए जैसे ही मामू बाहर निकलते हैं और साथ अपने भाई जुहेब को भी लेना है, वो नीचे खड़े हुए हैं। तो अभी बस जैसे ही मामू बाहर आते हैं, नीचे से भाई जुहेब को पकड़ते हैं और चलते हैं पार्टी लेने के लिए। देखते हैं वहाँ जाके क्या खाते हैं। तो पिछले व्लॉग आपने देखे होंगे कितने मज़ेदार व्लॉग थे। तो अभी जो लोग चैनल पर नहीं जाते, चैनल का सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर वो थोड़े से सब्सक्राइबर रहते हैं 1K होने में, तकरीबन 250 सब्सक्राइबर रहते हैं 1K होने में। तो यार जल्दी जल्दी करवा दो। 2 hours later. जी गाइस, तो अभी मामू लोगों को लेके हम इधर पहुंच चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये अकबर टिक्का शॉप पे हम पहुंच चुके हैं। बस अंदर चलते हैं और देखते हैं सीटिंग का क्या हिसाब किताब है। माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी गाइस, तो अभी हम इधर आके बैठ चुके हैं, सीटिंग आप चेक कर सकते हैं। ये भाई हमारे जो है बैठे हुए हैं, ये मामू स्क्लैन है और ये बकाया सिटिंग। सिटिंग तो अच्छी है, अभी बस ऑर्डर देते हैं और देखते हैं टेस्ट इनका कैसा है। पहली बार मैं आया हूँ। भाई जेब तो आगे भी आते रहते हो इधर? अच्छा, ऑर्डर वगैरह देते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बस थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं। जी भाई, तो इधर जो हमें ऑर्डर मंगवाया था वो आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने मंगवाया है लेग, क्योंकि मुझे लेग पसंद था और अच्छा मामू को, मामू स्क्लैन को तिक्के पसंद थे, इसलिए उन्होंने सीखे मंगवाई तिक्के। अच्छा, और भाई हमारे जुहेब को पसंद था ये कबाब, तो इसलिए उन्होंने चिकन कबाब मंगवाए हैं। और साथ हमने रायता वगैरह मंगवाया। तो अभी टेस्ट वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो बताया आपको भी बताते हैं कि अकबर टिक्का वालों का कैसा टेस्ट है। मजा आया, आपको कैसा टेस्ट लगा? अच्छा लगा। हाय हाय यार, मैं तो पूरे हो गया भाई, क्या टेस्ट है यार, लाइक का कसम से मजा आ गया। 10 seconds later. जी गाइस, तो उधर से खाना वगैरह खा के अभी हम इधर आ चुके हैं, झूले लाल गोलगप्पे शॉप। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है इधर, ये सारी गोलगप्पे की शॉप है। अभी इधर से गोलगप्पे पैक करवाते हैं और निकलते हैं जल्दी जल्दी। जी गाइस, तो अभी गोलगप्पे जो हमने पैक करवा लिए हैं, बस मोटरसाइकिल पे मामू बैठे हुए हैं, तो निकलते हैं घर की तरफ। तो चलते हैं घर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलो हमारे गांव का कितना सुनसान रास्ता है, चेक कर सकते हैं। और हमें इधर सांप मिला ही है, देखें। ओए होए होए होए, ये चेक करो ज़रा यार, सांप नज़र आ रहा है आपको? ओए होए होए, ये चेक करें। ओए ओए, ना ना मारी ना, मारी ना, ओ मारी मारी ना ना मार यार। ये देखो, ये चेक कर सकते हैं आप साहब, ये देख सकते हैं, ये हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है। मोटरसाइकिल के पास जैसे ही हमने उधर से आए, मैंने देखा वो सामने कोई चीज़ है, जैसे नीचे उतरा तो ये देखे सांप है। ओए नहीं, वो मारना नहीं है, मारना नहीं है, जेब से ही ना मारो। ओए खलो खलो खलो, ना मारो ना मारो। ये देखे कितना प्यारा सांप है यार, पर अब इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं इधर भाई लोग हमारे काम लगे हुए हैं, तो ये ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, इसके अंदर घुस जाती तो कोई ना कोई जानी नुकसान कर सकती थी, इसलिए हमने इनको मार दिया। तो वो देखें ईंटें वगैरह पीछे से पकड़ी हुई है, देखें ये क्या करे साहब, हाँ सापी सी, पूरा सा यार सांप। ओए ओए ओ वे मामू ना मारो, हाँ वीडियो तो बना दो। ये देखें यार सांप, चेक करें यहाँ। ओए होए मोटा, कितना मोटा है यार, कितना बड़ा है सांप यार, तो निशाना नहीं है, नहीं हो मुंह दे उत्ते सही वजी। ओए ओए होए, तो वास्ता फिर उल्ला। ओए होए होए, किड्डा जुल्म करन दे हो तुही बेचारी दे उत्ते। चला जी चला जी, काम खत्म हो गया यार।
2 hours later. जी गाइस, तो जैसा कि अभी घर आ चुके हैं, मैं कपड़े वगैरह चेंज करके भाई जैजी की तरफ आ चुका हूँ, तो भाई जैजी को भी उस सांप के बारे में बताते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई जान? ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। हाँ जी, तो लाइव स्ट्रीम खत्म कर ली है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है भाई जान? ठीक ठाक हो? तो लाइव स्ट्रीम वगैरह खत्म कर दिया? यस। अच्छा जी, सही हो गया। तो बकाया यूट्यूब पे कब आ रहे हो? यूट्यूब पे आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, तो यार जैसे ही मैं मामू के साथ गया हुआ था उधर खाना वगैरह खाने के लिए, उन्होंने हमें पार्टी दी थी, तो जैसे ही हम रास्ते में आए हैं तो हमें एक सांप मिला। अच्छा। हाँ जी, तो दो मुई सांप जिसे कहते हैं वो हमें मिला रास्ते में, बिल्कुल। अभी मैं थोड़ी देर तक ना आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, एक मिनट मैं पहले वीडियो ना दिखाऊँ आपको। जी भाई, तो कैसा लगा यार सांप? जैसे ही मैं उधर से रास्ते से आया हूँ ना, तो जैसे ही हम आगे आए हैं, तो आपने वीडियो में देखा होगा बिल्कुल आगे खड़ा है। पहले मैंने गुजार दी थी मोटरसाइकिल, तो बाद में जब देखा मामू कहते वो देखो सांप है, तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने मोटरसाइकिल रोकी, पीछे की तरफ किया, तो जब देखा तो सच्ची मुची सांप था। तो ये कौन सा सांप था यार? ये दुमुही सांप होते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते। अच्छा। ठीक है, इनके अंदर पॉइजन नहीं होता, जहर नहीं होता इसके अंदर, नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, और ये जो है छोटे मोटे चूहे वगैरह जिंदा रहने के लिए। अच्छा, वो ज्यादातर फसलों में पाए जाते हैं, फसलों में पाए जाते हैं गीली मिट्टी के नीचे। सही। ठीक है, गीली मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, और ये लोग जो है चूहे वगैरह छोटी मोटी चीजें खाते हैं, इनमें जहर नहीं होता। तो क्या किया आप लोगों ने सांप का? हमने भाई करना क्या था उस सांप का, जैसे उधर मोटरसाइकिल रोकी है मैंने, तो मामू जल्दी से भाग के गए हैं, उधर से ईंट पकड़ के लाए हैं, ईंट पकड़ के जल्दी जल्दी, जुहेब भी था साथ, वीडियो में आपने देखा होगा जुहेब भी साथ था बिल्कुल, उसने भी जल्दी जल्दी एक और ईंट पकड़ी है, दोनों ने धड़ाधड़ उसके ऊपर मारनी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा यार ना मारो ना मारो भाई, जैजी को बुलवाते हैं शायद वो पकड़ लें। तो साथ यार उसने हमें क्या कहना था, वो कह रहे थे साथ है मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, उसको काटे वगैरह ना काट ले, तो इस वजह से मैं तो रोकता रहा हूँ। बात पता है क्या, लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर ना। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब यही आप लोगों को पता होता कि हाँ वो वेनमस नहीं है। ठीक है, और वो बहुत शाय स्नेक और बहुत पोलाइट स्नेक होता है। ठीक है, तो अगर अवेयरनेस होती तो शायद आप लोग ना मारते। जी बिल्कुल, मैं मुझे अफसोस, मैं उधर मैं रोकता रहा हूँ, वीडियो में देखना, वीडियो में रोकता रहा हूँ कि ना मारो ना मारो, लेकिन वो कह रहे थे नहीं इसको मार के छोड़ना, किसी को काट ना ले, क्योंकि पता ही नहीं था कि इसमें ये पॉइजनस है, इसमें पॉइजन नहीं होता। हाँ, ये बिना ये पॉइजनस नहीं होते स्नेक। ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे सांप हैं जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, किंग कोबरा है ना जी। ठीक है, उसके बारे में भी जो है ना एक मिथ मशहूर है कि वो काट लेता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो अल्लाह ताला ने उसको डिफेंस के लिए क्या ना मैं पॉइजन दिया ज़रूर है जी, उसके अंदर भी पॉइजन है। ठीक है, हर चीज़ कोई भी छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करने की ये है कि जब आप अक्सर क्या नाम है कोई वीडियो सांप की देखोगे ना, जिसमें कोबरा फन खिलार के खड़ा है और वो काट मतलब मार रहा है जी, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो आप उसको अगर स्लोमो करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कोबरा मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको क्या मतलब कोई बंदा गुजर रहा ना, तो उसने क्या नाम है आपको ऐसे मार के ना चेतावनी दी है, या आपको अवेयर किया है कि हाँ भाई मैं इधर हूँ, मेरे पास मत आना। सही। ठीक है, काटता सांप तब है जब वो मुंह खोल के पकड़े आपको, उसके जब दांत खूबे आपको। ठीक है, लेकिन कोबरा को अक्सर आप देखोगे क्या नाम है, वो सिर्फ ये कर रहा होता है आपके ऊपर, वो सिर्फ अवेयर कर रहा होता है मेरे पास मत आना मैं खतरनाक हूँ। ठीक है, जब उसको पता चल जाता ना कि हाँ अब मेरी मौत है जी, ठीक है अब मैंने मर जाना है, तब वो आगे काटता है। सही। ठीक है, सांप जो है वो ये जो है ना ये जो जो भी ये बांसुरी बूंसरी बजाते हैं जी, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मिथ जो है ना मशहूर की हुई है कि जी हम लोगों ने काला जादू किया है, ये किया है, वो किया है, ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सांप बड़े ही प्यारे और बड़े ही मासूम होते हैं। ठीक है, वो अलहदा बात है कि क्या नाम है इसके ऊपर जो है ना वो लोगों ने काफी मिथ मशहूर कर दी है कि जी बांसुरी बजाओ तो सांप जो है वो क्या नाम है और टुन्न हो जाता है और वो आपकी बांसुरी पे आ जाता है। ऐसा नहीं है, मैं बांसुरी ना भी बजाऊँ ना तो मैं अपना हाथ ऐसे करके सिर्फ ऐसे ऐसे करूँ ना, ठीक है, क्योंकि बांसुरी बजा के वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं आगे उसके, या ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। सांप जो है वो मूवमेंट हमेशा चेक करता है, आप जब मूवमेंट कर रहे हो ना तो सांप आपकी मूवमेंट फॉलो कर रहा है। तो मैं अगर अपना हाथ भी पकड़ के ऐसे ऐसे करूँगा ना उसके सामने, सांप के सामने, ठीक है, तो सांप उसी वे में जो है ना क्या नाम है वो मूवमेंट उसको देख रहा होता है। ठीक है ना, वो बांसुरी से मदहोश नहीं होता, वो डांस नहीं करना शुरू कर देता, ये सारी मिथ है। सही। ठीक है, ये जो पुराने जोगी है ना उन्होंने आहो मैं इसलिए मुझे तो पता था भाई जो है ना सोने लगे होंगे, तो सोने लगे थे आप? हाँ, मैं लाइव स्ट्रीम खत्म कर दी थी।
तो कितने बजे लाइव स्ट्रीम पे बैठते हैं आप? यार मैं बैठता हूँ यार, कंफर्म टाइम तो नहीं है, लेकिन ये है कि 10 बजे से लेके क्या ना 2-3 बजे तक जाना मैं बैठता हूँ सुबह के। सही, सुबह के 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक। हाँ, और सही। शाम को भी बैठ जाते हैं अगर दिल हो तो, बोर ना हो तो आराम से बात। तो मतलब कि जब लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे स्टार्ट होंगी तो तब मुझे उम्मीद है कि एक टाइम टेबल जो है सेट हो जाएगा। यार टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, क्या नाम है, आवाम को देखना होता है। ठीक है, ऑडियंस चाहती है कि जी क्या नाम है वो देखे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, मेरी आवाज़ सुने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आवाम के लिए ऑडियंस के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है, सारा दिन भी बैठना पड़ा था, सारा दिन भी बैठना। सही हो गया, डन हो गया जी। गाइस तो डिस्कशन भाई से हमने कर लिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छी भाई ने चीज़ें बताई हैं। तो यार भाई भी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, तो यूट्यूब वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनके भी चैनल को हमने ग्रो करवाना है और हम अपने भाई को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 240 सब्सक्राइबर जो हैं वो बाकी रह गए हैं, तो वो आप मुझे उम्मीद है जल्दी जल्दी करवा सकते हो, तो इसलिए जल्दी जल्दी करवा दो। तो उम्मीद है आपको इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।